देश में विपक्ष को एकजुट करने निकले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कल यानी कि 23 जून को पटना में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। महागठबंधन की इस बैठक में देश के अलग अलग राज्यों से तमाम नेता इस बैठक में शिरकत करेंगे, लेकिन बैठक से पहले राजधानी पटना में पोस्टर वॉर की जंग शुरू हो गई है। दरअसल 23 जून यानी कल पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी। वहीं इससे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव का पोस्टर चर्चा में है। वहीं अब एक और पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है। ये पोस्टर पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के सामने लगा है। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विकास कुमार ज्योति ने लगवाया है। इस पोस्टर में तीन बड़ी सी तस्वीर है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हाथ में हाथ पकड़े हुए तस्वीरें हैं। इन तस्वीर के ठीक नीचे लिखा है, ना आशा है ना विश्वास है, संभल कर रहना देश के लोगों, ये नीतीश कुमार है। पीएम मोदी का खासम खास है। पोस्टर में जहां अरविंद केजरीवाल को 2024 में भावी प्रधानमंत्री उम्मीदवार दिखाया गया है, तो वहीं अरविंद केजरीवाल की तस्वीर के ठीक नीचे भावी प्रधानमंत्री 2024 अरविंद केजरीवाल लिखा गया है। कल से पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक होने वाली है। बैठक के पहले पटना में पोस्टर वार शुरू हो गया है। एक तरफ स्वागत के लिए तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा पोस्टर लगाया जा रहा है, वहीं इसके विरोध में भाजपा के द्वारा पोस्टर से तंज किया जा रहा है। और खास बात यह है कि इस पोस्टर के बीच में आपको एक ऐसा पोस्टर दिखाते हैं जहां पे अरविंद केजरीवाल को भावी प्रधानमंत्री दिखाने की कोशिश की गई है। और ये पोस्टर लगाया गया है आपके द्वारा, आम आदमी पार्टी बिहार के द्वारा। और इसमें दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाते हैं, देखिए किस तरह नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को हाथ मिलाते दिखाया गया है। और इस पोस्टर में कोटेशन है, ना आशा है ना विश्वास है, संभल कर रहना देश के लोगों, ये नीतीश कुमार है, मोदी जी का खासम खास है। यानी एक तरफ इस विपक्षी पार्टियों की बैठक में आम आदमी पार्टी आ रही है, वहीं दूसरी ओर केजरीवाल आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लगातार आपने इस पोस्टर को लगाया है। सर क्यों ऐसा पोस्टर लगाया है? एक तरफ आपके नेता आ रहे हैं, दूसरी ओर आप भावी प्रधानमंत्री उनको ठहरा रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार पे तंज कर रहे हैं, क्या कारण? पोस्टर में कोई गलत थोड़े ही सर, जो स्वभाव है नीतीश कुमार जी का, जो उनका चाल चलन रहा है, हरिवंश बाबू को आज तक कहाँ बने हुए हैं आप लोग पूछिए उनसे जाके। अगर भाजपा से वो हटे तो हरिवंश बाबू को हटाए क्यों नहीं? अभी भी सभापति उनका साथ में, अभी भी भाजपा के साथ उनका गठबंधन है, कैसे इन पे हम भरोसा करें? तो इस सम्मेलन का मतलब क्या हुआ? सम्मेलन का मतलब हुआ अरविंद केजरीवाल जी बिहार आ रहे हैं, वो मेरे प्रधानमंत्री के चेहरा हैं, वो समर्थन जुटाने बिहार आ रहे हैं। अच्छा, वो प्रधानमंत्री के? हाँ, वो प्रधानमंत्री। लेकिन नीतीश कुमार को लोग बता रहे हैं कि नीतीश कुमार यहाँ एक आयोजक जो होता है, अच्छा, सेवाकर्ता होता है, उस तरह से वो सेवा में है। सब लोग आए हैं, उनके यहाँ चीफ मिनिस्टर हैं, तो मेहमानबाजी का उनको भार सौंपा गया कि सबको खिलाने पिलाने का जिम्मा उनको दिया गया। लेकिन विपक्षी एकता के पहले आप तो विरोध है एक तरह से कर दिए आप। विपक्षी एकता की कहाँ बात, इसमें कहाँ भंग आपको दिख रही है विपक्षी एकता? भाई हमने स्वभाव, ये पोस्टर गलत है क्या? बैनर में ये जो चेहरा हम डिलीट करके बनाए क्या? अरे ये जालंधर की तस्वीर है, उसके बाद कई बार पलटी मारे आप भी जानते हैं। अरे इसको मैंने नहीं बनाया सर, वो है, आप देख लीजिए। आप लोगों को लग रहा है क्या कि फिर पलटी मारेंगे? 2 महीना के अंदर मारेंगे। 15 अगस्त को फिर बिहार का दूसरा मुख्यमंत्री वहां जाकर के झंडा फहराएगा, निश्चिंत रहिए। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नीतीश को निशाने पर लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने आरजेडी और जेडीयू पर पोस्टर के जरिए निशाना साधा है। राजधानी पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के ठीक गेट के पास 2 पोस्टर लगाए गए हैं और महागठबंधन सरकार पर कटाक्ष किया गया है। पोस्टर में पहले और अब की बातों को दर्शाया गया है। पोस्टर में लालू यादव और सीएम नीतीश का कार्टून बनाया गया है और उसके ऊपर लिखा गया है, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन इनके साथ नहीं जाएंगे। ठीक उसके दूसरी तरफ लालू यादव और नीतीश कुमार का एक और कार्टून बनाया गया और उसके ऊपर लिखा गया है, आजा मेरी गोद में बैठ जा। देखिए किस तरह कार्टून के माध्यम से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पे तंज किया गया है। उस समय की तस्वीर दिखाई गई है कार्टून के माध्यम से, जब नीतीश कुमार लगातार लालू प्रसाद यादव पे हमलावर हुआ करते थे और बार बार वो कहा करते थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन इनके साथ नहीं जाएंगे। वो तब की बात है और अब की बात है। अब दिखाया गया है, देखिए किस तरह लालू प्रसाद यादव के गोद में नीतीश कुमार को बैठा हुआ दिखाया गया है कार्टून के माध्यम से। अब दिखाया गया है, आज मेरी गोद में बैठ गए हैं। और दूसरी पोस्टर आपको दिखा रहे हैं, दूसरी पोस्टर देखिए, दूसरी पोस्टर में
जेपी आंदोलन के समय के दृश्य को दिखाया गया है, जिस तरह लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन खड़ा किया था पटना के गांधी मैदान में, उस समय के दृश्य को दिखाया गया है। और पोस्टर में साफ तौर पर लिखा हुआ है लोकनायक जयप्रकाश के शिष्य होने का दावा करने वाले आज उनको गिरफ्तार करने वालों के साथ खड़े हैं। यानी कि लोग जेपी को गिरफ्तार करने में कांग्रेस की अहम भूमिका थी और इस बैठक में कांग्रेस जो है महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो आज इस पोस्टर के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे कांग्रेस के साथ है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं, तब और अब का तुलना किया गया है, पहले की तुलना की गई है। उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे लोकतंत्र का काला अध्याय वापस लो, आपातकाल वापस लो। यानी आपातकाल के समय की जब इमरजेंसी लगाई गई थी देश में, उस समय की तस्वीर है। और कार्टून के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है किस तरह लालू प्रसाद यादव और खुद नीतीश कुमार आपातकाल का विरोध कर रहे थे, वापस लेने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे थे। इंदिरा गांधी को भी दिखाया गया है। और अब लोकतंत्र बचाने के लिए हमारा अध्याय शुरू कीजिए सर, विपक्षी एकता हम साथ साथ है, राहुल गांधी को दिखाया गया है, नीतीश कुमार को दिखाया गया है और तेजस्वी यादव को दिखाया गया है। राजधानी पटना में कल महागठबंधन की बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में विपक्षी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। महागठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी पटना पहुंच गई हैं। वहीं महागठबंधन की बैठक से पहले बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए नहीं बल्कि परिवार को बचाने के लिए महासम्मेलन हो रहा है। कुमार ने तो पहला प्रयास किया था कि जनता परिवार जो है वो एकजुट हो जाए, जितने जनता दल से जनता पार्टी से निकले हुए जो घटक दल हैं वो एक हो जाए, लेकिन कहाँ एक हो पाए, कहाँ जनता पार्टी को एक कर पाए। और जब जयप्रकाश नारायण ने 77 में जब इंदिरा गांधी को पराजित किया था तो सभी दलों का मर्जर करके एक दल बनाया जनता पार्टी, जो चार बड़े दलों का मर्जर हुआ। आज कोई दल मर्जर करने को तैयार है क्या? तो देखिए वो 77 वाली स्थिति नहीं है, इमरजेंसी जैसा मुद्दा था, लोगों को जेल में बंद कर दिया था, आज क्या है। तो ये तो लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं बल्कि परिवार को बचाने के लिए ये सम्मेलन हो रहा है। वहीं महागठबंधन की बैठक से पहले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी इतिहास बदलने में लगी हुई है, देश में आज तानाशाही राज है। आज जिस हिसाब से तानाशाही देश में चल रही है, अघोषित इमरजेंसी जिस प्रकार से लागू है, आज कई विपक्ष के ऐसे नेता हैं प्रशासन के दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मोदी जी से ज्यादा अनुभवी है, ज्यादा मेहनती है, जो सीधे जनता से संवाद करते हैं। तो अगर वो बातें अगर देखा जाए तो किसी का हम लोगों को भय किस बात का है, किसी बात का डर नहीं है। और हम लोग चाहते हैं देश का संविधान और लोकतंत्र बचे। और जिस प्रकार से देश का इतिहास को बदलने में ये लोग लगे हुए हैं, सब लोग जान रहे हैं, नाम बदल देते हैं फलना चीज का, चाहे कोई इंस्टीट्यूशन हो या कोई शहर हो या कोई स्कीम हो, अब बदल के क्या फायदा हो रहा है देश को, ये भी बता दें। 23 जून को पटना में होने वाली बैठक में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और वाम दलों के नेताओं के बैठक में मौजूद रहने की उम्मीद है। हालांकि बैठक से पहले खबर है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के मैराथन प्रयास के बाद अगर पहले दौर की बैठक कामयाब रहती है तो इस महाजुठान को एक गठबंधन का रूप दे दिया जाएगा। फिर गठबंधन किस तरह बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेगा ये तय होने से पहले गठबंधन का नाम तय हो सकता है। साथ ही सभी को साथ रखने के लिए एक संयोजक भी विपक्षी पार्टियां चुन सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।